हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बलांगी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर 4 नन्हा फनकार, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा, केशव की घंटियाँ। उसमें लिखो पहला फर्स्ट नंबर है, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने यह बात किसी लिए कही होगी, तो उसका आंसर होगा क्यों, उसका आंसर लिखो क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। तो उसका आंसर होगा वाह, ठीक है। फिर देखो सेकंड है हमारा आना जाना में क्या है, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने में के क्या कारण होते हैं। तो ये अपने फ्रेंड के साथ बात करके उनसे बात करके पता लगाना है तुम्हें। फिर हमारा है कहानी से, लिखो ये है नंबर 3। देखो अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी, उसका आंसर लिखो अकबर एक अच्छे राजा थे, वो अपने प्रजा से मिलते रहते थे, इसीलिए उन्हें पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। हो गया नंबर 4। लिखो लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है, उत्तर लिखो लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब कोई अमीर तथा प्रतिष्ठित आदमी से है। नंबर 5, खरगोश की सी कातर आँखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो उसमें लिखो उदाहरण के तौर पर जैसे कोयल सी आवाज़, शेर जैसी दहाड़। नंबर 6, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा, उसका उत्तर लिखो अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे, जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव संदेह भरी नज़रों से देखा। नंबर 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चे का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है, अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। उत्तर में लिखो केशव 10 साल का था, उसके उम्र के बच्चे को ऐसे काम में जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। अब नंबर 8, केशव बार बार सबको सुनाता है सुनता केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के सब में लिखो। तो उसका उत्तर लिखो केशव सबसे कहता होगा कि तुम मुझसे बादशाह अकबर मिलने आए थे, क्या तुमसे कभी मिले हैं, उन्होंने मुझसे नक्काशी सीखे और शाबाशी भी दिए। हो गया यह हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्या है, शब्दों की निराली दुनिया। हो गया, उसमें है नंबर 1 पर है नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ाईगिरी मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होगा, उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। ये है वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम ये सब उसमें कौन कौन से औजार लगते हैं उस वो देख के लिखना। फिर ख है छैनी, हथौड़ा, तरासना, किरंचे, ये सब पत्थर
के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई के से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन सब पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। तो तुम ये भी तुम्हारा होमवर्क है, तुम वो जो लकड़ी का काम करते हैं उनसे वो क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं ये सब तुम इकट्ठा करके रखो, और फिर जब स्कूल खुलेगा तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ बात करके क्लास में फिर उसको अपनी कॉपी में लिखना। नेक्स्ट है हमारा ग। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर भी बातचीत करो। नेक्स्ट है हमारा नंबर दो। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। देखो, चुनाव, चुनाव है संज्ञा, उसका क्रिया शब्द है चुन। तो उसका जो हम उसको हम इसको क्या बनाएंगे, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो उसको लिखो, अच्छे फूल का चुनाव कर लो। पड़ाव संज्ञा है, उसका क्रिया है पढ़। आज यही पड़ाव डाल लो। बहाव संज्ञा, उसका क्रिया है वह। नदी का भाव तेज है। लगाव संज्ञा है, उसका क्रिया है लग। पढ़ाई से उसका लगाव है। नंबर थ्री। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द यहाँ बुदबुदाई है। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। तो उसके उत्तर में लिखो, बुदबुदाने का अर्थ क्या है, मन ही मन कुछ बोलना, उसे आवाज़ नहीं आना चाहिए और मन ही मन जो बोलते हैं उसको कहते हैं बुदबुदाना। जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना तथा भुनभुनाना में कुछ आवाज़ भी बाहर सुनाई देती है। तो उसको वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, बुदबुदाना, नौकर धीरे धीरे बुदबुदाया। फुसफुसाना, मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले। बड़बड़ाना, वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। भुनभुनाना, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। नंबर फोर। बेवकूफ़, खड़ा हो हजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसीलिए कहा क्योंकि उसका आंसर होगा ख, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो बच्चों, ये हो गया हमारा नन्हे पनकार का क्वेश्चन आंसर।